ये तो बस एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था। ये गेस्ट अपीयरेंस नहीं था, ये काम करने वाला आदमी आज फ्री मिल गया है इनको घर पे। ये अपना बैठी अपना ये कर रही है, आप करिए मैं सफाई कर देता हूँ। और उसके उनमें बर्तन मांजने हैं कि नहीं मांजने? जय श्री राम। इस टूटे फूटे शकल से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। यार यार हिंदी में क्या बोलते, ठीक है कोई बात नहीं। चलो बिना कोई समय वेस्ट किए हम आरंभ करते हैं। आपको लेके चलती हूँ मेरे इस नए ब्लॉग में, मेरी किताबों के बीच में। चलिए चलिए चलिए। आसपास सारी मेरी फेवरेट किताबें हैं। इन किताबों में से कई किताबें पढ़कर मैं बड़ी हुई हूँ, मैं इंस्पायर हुई हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। ये जो प्यारी सी किताब है इसका नाम ही है फ्रॉम मदर टू डॉटर। दिस बुक इज एक्चुअली गिफ्टेड टू मी बाय माय मदर एंड शी गिफ्टेड टू मी ऑन डॉटर्स डे। थैंक यू मम्मा एंड थैंक यू फॉर दिस बुक, आई लव इट। आप जितनी थॉटफुल हैं उतना ही थॉटफुल ये बुक है। दे एक्चुअली हैव रियली गुड एडवाइस इन द बुक। आपका बहुत ज़्यादा टाइम कहीं पर स्पेंड होने वाला है तो ऐसी कोई किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं जो एकदम व्हाट आर यू डूइंग। मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया तुम्हारा, और कहाँ साफ करना है, हंस क्यों रही हो? माइक फेरो, पहले माइक फेरो। वेयर योर माइक एंड कम। दिल थाम के बैठिए देवियों और सज्जनों, आपके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ हमारे चैनल का ब्रांड एम्बेसडर गौरव खन्ना अपने हथियार के साथ। आज मेरी छुट्टी हो, मेरी बीवी ने मुझे काम पे लगाया हुआ था वैक्यूम क्लीनिंग के, सो मैंने कर दिया है। और ये तुम क्या बुक्सा कर रही हो? यस नाइस नाइस यार। जिनमें से आपने कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं? मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखें पढ़ी हैं और मुझे सारी नॉलेज उसमें मिल चुकी है। थोड़ी फिल्मी डायलॉग्स कम करके ऑनेस्टली बताओ कितनी किताबें पढ़ी हैं? मैं अपनी सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ता था और मुझे बहुत ज्यादा बुक्स का शौक नहीं है, पर आकांक्षा मेरा जो वो ब्लैंक है लाइफ में वो भरती है एंड शी रीड्स अ लॉट। और इसको बहुत शौक है, इसको जितनी बुक्स चाहिए होती है मैं लाके देता हूँ। और कोई बुक चाहिए तुम्हें? बहुत सारी, नई लिस्ट बन चुकी है। अभी मेरे को बहुत काम है, मेरी छुट्टी है आज, छूट नहीं है अनुपमा का, तो मैं घर की सफाई में लगाऊं? नहीं, सफाई बाद में करना। यू नो शी रीड्स अ लॉट और बहुत अच्छी बुक्स हैं इसके पास। यू कैन गेट यू नो नॉलेज तो नहीं बोलूंगा बट यू कैन गेट अक्वेंटेड टू अ लॉट ऑफ बुक्स व्हिच शी हैज रेड। सो वो नॉलेज तुम्हारी है, वो जब खुद पढ़ेंगे उनको नॉलेज मिलेगी। आप नॉलेज देने के लिए नहीं बैठी, यू विल जस्ट मेक देम अक्वेंटेड विद द नाम विद द टाइटल्स विद द बुक्स सो दैट दे एंजॉय द नॉलेज देमसेल्व्स। अच्छा, यू नीड एनीथिंग फॉर योर फेस? दवाई वाई कुछ लगानी हो? अभी नहीं, लेटर। नो नो, आप लोगों को पता है ना इसने क्या किया? से लोगों को लगता है ना कि मैं कुछ काम नहीं करती, मुझे काम वाम मेरे काम बढ़ाती है और कुछ नहीं करती बस। ऐसा नहीं है, मैं काम करती हूँ, ये प्रूफ है कि मैं जब भी काम करती हूँ मेरे पास ऐसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए गौरव बोलता है तुम काम ही मत करो, इसलिए देख लो वो वही छुट्टी के दिन वो बोलता है कुछ मत कर देवी, बैठे रहे, मैं करता हूँ। बिल्कुल कुछ मत कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी छुट्टी और ज्यादा काम में व्यतीत हो। सो प्लीज से आई एम गोइंग टू नरेट वेयर यू नो यू मेड द एंटायर यूनिट of your living room for books and there were literally no books in the book section. ये कहना चाहती हैं कि मेरे घर में बहुत सारी ऐसी जगहें मैंने बनाई थी इनसे मिलने से बहुत साल पहले। इन्होंने सिर्फ मेरी वो टू भी कोई भी मतलब जो भी बीवी होगी वो आई जाएगी, नॉट फॉर मी। नहीं नहीं, मैंने डिजाइन के लिए बनाई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी के ब्लैंक्स के साथ साथ इन्होंने मेरे घर के भी सारे ब्लैंक भर दिए अपने सामान से। कैसे कर लेती हैं आप? और जो मेरी बुक्स थी मैंने उस समय शौक चढ़ा था बीच में थोड़ा, तो मैंने उसके लिए बनाया था। और अब मैंने सोचा था मैं PS5 के अपने गेम्स वगैरह रखूंगा, लेकिन जो पत्नी से करे प्यार वो बुक्स से कैसे करे इनकार। ऑन दिस नोट मैं जा रहा हूँ अपना काम करने। आई शैल नॉट, मेरे चैनल की TRP गिर जाएगी, अब मत जाओ। सब मुझे बोल रहे हैं, सबको गौरव ब्लॉग विद गौरव, ब्लॉग विद गौरव। हिट द कमेंट सेक्शन और हमें बताइए कि गौरव को किस तरह के ब्लॉग में होना चाहिए मेरे साथ। आप किस तरह का ब्लॉग चाहते हो गौरव खन्ना के साथ,
वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप बोलेंगे प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बोलो बोलो, प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड कीप लाइकिंग कीप लविंग प्रेस द बेल आइकन, भी ऐसा भी होता है कुछ, प्रेस द बेल आइकन एंड कीप शेयरिंग, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग, वी लव यू ऑल, वी लव आवर फैन ग्रुप्स, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा अलूफ रहता हूँ सोशल मीडिया से, इतना ज्यादा मैं नहीं हूँ जितना आकांक्षा है, बट इसके थ्रू मुझे सब पता चल जाता है। So please keep loving us and keep loving her. It's time to save the world now. Bye. Oh, देखो men in black, men in grey जा रहा है. Bye. Bye. तो चलो at least guest appearance में मैंने आप में से कुछ के जो demand है on public demand आपको गौरव खन्ना भी दिखा दिया. Okay, moving on. ये जो आप ये section देख रहे हो, ये मेरी life चेंजिंग बुक्स हैं, दीज आर माई गो टू बुक्स। यहाँ पे मैं भगवद गीता अपने पास रखती हूँ जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, देन आई हैव जैसे कि मैंने कहा सदगुरु का बुक है डेथ, विच इज़ समथिंग दैट एवरी वन शुड रीड, आई मीन यू विल गेट ओवर द फियर ऑफ वॉट एवर, अगर आप उनमें से हो जिनको हर चीज़ से डर लगता है, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, सो आई थिंक डेथ इज़ अ बुक दैट should help you get over all these fears. Inner Engineering from Sadhguru, which you all should read. Celebrating in Silence by Shri Shri Ravi Shankar, another book I think everyone should read. मेरे पास ये छोटू सा book भी है, Introduction to Bhagavad Gita. So I keep collecting books. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारी प्यारी किताबें collect करने के लिए, और वो जो summarize करके देते हैं every time, तो ये चीज़ मैंने realize किया, मैं जितनी बार ये सेम किताबें, और ये किताबें सिर्फ एक बार पढ़ के रखने के लिए नहीं है, माइंड यू आप जितनी बार ये किताबें पढ़ेंगे उतनी बार आपको रियलाइज़ होगा कि द मीनिंग चेंजेस, एंड चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि अभी आपको सही लग रहा हो बाद में आपको गलत लगे, ये भी होता है, लेकिन चेंजेस इन द सेंस एवरी, बिकॉज यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, एवरी सेकेंड यू आर मेच्योरिंग, तो जो शब्द इनमें लिखे हुए हैं ना उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा खिलने लगता है, सो कीप गोइंग बैक टू दीज बुक्स, और जितने किताबों के आसपास रहोगे उतना ज़्यादा आप सिर्फ विद्वान ही नहीं होंगे, आपकी बुद्धि भी सुधरेगी, आपकी बुद्धि सुधरेगी तो आपकी वाणी भी सुधरेगी। दिस इज़ वन ऑफ माई रिसेंट परचेजेस, विच इज़ महाभारत अनरैवल्ड एंड रामायण अनरैवल्ड, बट टू नो दीज बुक्स आई थिंक यू शुड नो आर रामायण एंड महाभारत, तो पहले आपको रामायण और महाभारत पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू कैन कम टू अमीगा नात्रा। मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे महाभारत नहीं है, एंड मेरा आधा कलेक्शन मेरी मम्मी के पास है, क्योंकि जो मेरे स्पिरिचुअल वाले बुक्स हैं आई शेयर इट विद माई फादर, तो वो हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। श्री रामकृष्ण परमहंस के दो वॉल्यूम्स है, दिस इज द कंपाइल्ड वॉल्यूम, तो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट बंगाली में है, और अगर आपको बंगाली अच्छे से पढ़ने आती है तो प्लीज़ इसको बंगाली में पढ़िए, क्योंकि आई थिंक इट्स मच मोर ऑथेंटिक इन बंगाली। जो अपने शिष्यों को सिखाया है, जो वो अपने सत्संग में बोलते थे, जो अपने प्रवचनों में बोलते थे, वो सबको इसमें कंपाइल किया है, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ नैरेटिव अबाउट हिज लाइफ, उनका जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जितने भी उनके साथ इंस्टेंसेस थे, उन्होंने जो कुछ भी किया एक तरह से, वो सारी चीज़ें इस बुक में है, दो वॉल्यूम्स में है, बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। सो आई विल शो यू ऑल अनदर बुक दैट आई एम करंटली ऑन, इट्स कॉल्ड डिस्कोर्सेस। तो ये मेरे पापा के गुरु हैं जिनका नाम है श्री गोंदवलेकर महाराज, अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपको पता होगा कि मैं किनकी बात कर रही हूँ, तो ये मैं हर साल उनके जन्मदिन पर उनके आश्रम में जाती हूँ, एंड ये बुक मैंने वहाँ से लिया है, एंड ये भी एक कंपाइलेशन है उनके जो सत्संग में वो जो कहते थे, जो उनका प्रवचन था, जो उनकी सोच थी, वो सारी चीज़ें इसमें कंपाइल की गई है, तो ये पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, ये सो आई मीन दीज, ये जो हमारे संत और महापुरुष हैं, जो हमारे ये गुरु हैं, ये लोग इतने इंस्पायरिंग होते हैं, क्योंकि इस लेवल की भक्ति, इस लेवल की श्रद्धा शायद ही आपको कहीं देखने मिले, और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि यार आप कहीं ना कहीं उनकी सोच पढ़ ही ले जहाँ पे भी लिखी हुई है, तो भी इससे बड़ा नसीब का बात और कुछ नहीं हो सकता, तो आपके भाग्य ही होंगे कि अगर आपको
कोई ऐसी किताबें गिफ्ट देता है, तो ये किताब भी मुझे मेरी मम्मी की फ्रेंड ने गिफ्ट की है, और गुंदमलेकर महाराज के पास भी वही हमें लेके गई थी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे लाइफ में आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इंट्रोड्यूस करवाई है और मुझे गिफ्ट की है। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स वेर आई रियली फील ग्रेटफुल। सो दिस बुक, इट्स कॉल्ड द सीक्रेट द मैजिक। लाइक दिस बुक हैज़ टॉट मी टू स्टार्ट जर्नलिंग। मैंने कभी लाइफ में जर्नलिंग नहीं की है, स्कूल टाइम में करते थे, बट वो वही लाइक वी यूज टू डू इट फॉर स्टडीज। आई हैव नेवर डन इट फॉर माई लाइफ, बट आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग बिकॉज ऑफ दिस। लॉट ऑफ बुक्स यार, इतने बुक्स, इतने क्या बताऊँ, कितनी बुक्स, सिर्फ बुक्स ही पढ़ना होता है। माई टेस्ट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड, लाइक आई कॉन्ट पिन पॉइंट एग्जैक्टली, और मे बी आई कैन, आई डोंट नो। सो आई लाइक स्पिरिचुअल बुक्स 100% for sure. I like very inspirational, positive, motivating books. These are my leisure books. ये मेरे time pass books है। जो मेरा taste है books में, वो बहुत female eccentric होता है। Like everything is just female oriented. I love any book which has a main character as a woman. And I like I told you, I'm biased. I love females. मैं किताबें भी से वही पढ़ती हूँ जहाँ पे मेन हीरोइन, मेन हीरो फीमेल है, दैट्स इट। फीमेल सेंट्रिक बुक्स की अगर बात करें, अगर अगर आपने सिडनी शेल्डन की बात ना की, और आपने अगर कभी सिडनी शेल्डन पढ़ा नहीं है, तो भाई आपको पता ही नहीं है कि मेन हीरो जब फीमेल होती है तो वो क्या स्टोरी लाइन होती है। आई लव सिडनी शेल्डन, अगेन वन ऑफ द फर्स्ट ऑथर्स दैट आई फेल इन लव विद, बिकॉज सिडनी शेल्डन की स्पेशलिटी ये है, अभी की किताबें नहीं, जो प्रॉपर सिडनी शेल्डन जब जिंदा थे, जब वो लिखते थे, उनकी सारी किताबें फीमेल सेंट्रिक होती थी। सब नॉवेल्स की, हर स्टोरी की हीरो फीमेल्स ही होती थी, विलेन भी फीमेल्स ही होती थी। आई मीन ही टेक्स यू अक्रॉस द ग्लोब, उनकी स्टोरीज़, उनके जो सिचुएशंस होते हैं। आई लव सिडनी शेल्डन and I have grown up reading Sidney Sheldon, and I just love the way he portrays all the females in his books. So like I said, I am a person who is for the female, by the female, to the females, if it makes sense. If you like fiction, if you like murder, if you like mystery, if you like thriller, if you like suspense, Sidney Sheldon. I'm just going to go with a girl with a dragon tattoo, please go with this series. अगर आपको बड़ा पसंद है, थोड़ा सा weird type, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अलग fiction, so go with this book. इस book की speciality मैं बताती हूँ, I don't want to, if अगर मैं ये book के, नहीं, फिर आपको climax पता चल जाएगा अगर मैंने बता दिया तो. This is written by my favorite Raghu Palat and Pushpa Palat, जो बहुत ही प्यारे पेरेंट्स है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त निखिला पलच के. सो अगेन सी, आई हैव बीन गिफ्टेड द बुक, इज अगेन अ गिफ्ट एंड एन अमेजिंग बुक. अगेन दिस इज अबाउट अ हिस्ट्री, दिस गोज बैक टू द फ्रीडम फाइटिंग डेज, एंड दे हैव बीन द रॉयल्टीज ऑफ द साउथ, एंड इट इज अबाउट देम, द फर्स्ट एवर लीगल बैटल दैट वॉज fought against the Britishers. It was by their family and it is their history, and the way it's narrated, oh, it is so good, it is so easy to read. Please read this book, because I'm sure ये हमारे history books में कहीं भी mention नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे history books में mention नहीं है. I went to watch Gone Girl, तो जब मैं Gone Girl देखने गई थी, I didn't know about this writer at all, and movie देखने के बाद मैं इतनी impressed थी when I got to know that it's a book, because I didn't want it to end. I like tapping into the dark reality. If you like paranormal fiction, which is little, which has a taste of some paranormal science to it, so then you can go for Kay Hooper. She has a series called as Stealing Shadows, something which has to do with psychic abilities and all that. So the main character is clairvoyant, and another good book if you want to read something which is, you know, little different than what your normal routine books are. So you can go for Kay Hooper, amazing writing. If you love horror, you have to read Stephen King. But Carrie is like epic. Loved it. अगर आपने देखा है TV पे, तो एक बहुत ही famous television series है जिसका नाम Bones है, and the series has been inspired by this particular author and her writing, that is these books. ये बुक आप देख सकते हो, ये बुक इतनी पुरानी है, एंड ये बुक शायद
इतने लोगों ने इसे शेयर किया होगा, सो दिस बुक गोज रियली लॉन्ग बैक. ये बुक पढ़ के मैं रोई हूँ. दिस बुक इज सो हार्ड हिटिंग, आई कांट इवन टेल यू, बट इट्स ब्यूटिफुल, अमेजिंग राइटिंग, अमेजिंग नैरेटिव. ये बुक मैंने तब पढ़ा होगा जब मैं अपने 9th या 10th grade में थी, एंड तब मुझे समझ में आया था कि रियल में लाइफ क्या होती है एंड हाउ ब्लेस्ड आई एम टू यू नो जस्ट लिव द वे आई एम लिविंग. इट्स कॉल्ड द एलिफेंट मैन. और ये मैं ये नया बुक नहीं खरीदती हूँ क्योंकि वही मैंने कहा ये बुक के साथ इतनी मेमोरीज है. थैंक यू मामा फॉर लेंडिंग मी दिस बुक, एंड आई थिंक आई हैव स्टोलन इट फ्रॉम यू, बिकॉज अगर ये तेरे पास नहीं है तो ये मेरे पास है और तुझे दिख रहा है, और ये मैं वापस नहीं देने वाली हूँ. ये एग्जैक्टली उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में तूने मुझे दिया था. बुक्स दे होल्ड मेमोरीज, दे आर नॉट, आई मीन बुक्स ये सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, मतलब सोचो कितनी यादें जुड़ी हुई है. मुझे ये बुक दिया पढ़ने के लिए, फिर मैंने ये बुक वापस रिटर्न नहीं की, तो ये बुक भी मुझे फरिश्ता ने दी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मैंने कहा था. सो आई हैव ऑलवेज एक्सचेंज्ड अ लॉट ऑफ गुड बुक्स विद पीपल, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज जो वापस बुक्स आपको, अगर आपने मुझे अपनी बुक दी तो शायद मैं आपको वापस ना दूँ. हाँ, अनदर हार्ड हिटिंग नॉवल, इट इज़ कॉल्ड नॉट विदाउट माई डॉटर. इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, माँ बेटी की कहानी. एंड इतना मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ इस बुक में जो डिटेल्स हैं, एंड आई एम श्योर जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो शायद इससे भी 100 गुना ज़्यादा ख़राब होगा. क्योंकि अगर ये बुक पढ़ के, सो सेकेंड वन ऑफ द फ्यू बुक्स अगेन जो पढ़ के मुझे रोना आया है, एंड आई हैव बीन आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई हैव बीन सो ग्रेटफुल फॉर द लाइफ, फॉर द कंट्री दैट आई एम बॉर्न इन, फॉर द पेरेंट्स दैट आई हैव, फॉर एवरीथिंग. एक औरत होकर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है. इट इज़ दिस बुक. सो येस, टू बुक्स, लव्ड इट, क्राइड. शर्लॉक होम्स, सो आई हैव ग्रोन अप reading Sherlock Holmes, and then I finally bought the compilation, which is again in 2 volumes. So this is the volume 1, and Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, amazing writing, loved it. बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं, एंड मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ये डिटेक्टिव वाले जो स्टोरीज होते हैं जिसमें थोड़ी सी मिस्ट्री होती है, थोड़ा सा सस्पेंस होता है, थ्रिलर होता है, एक्शन होता है, बड़ा मज़ा आता है ये सब किताबें पढ़ना. कभी रिसेंटली इसकी एक मूवी रिलीज हुई है, Where the Crawdads Sing. It is again a classic whodunit वाला मिस्ट्री थ्रिलर. ये और इसमें भी जैसे कि मैंने कहा कि हीरो तो लड़की ही है, तो दिस इज अ साइकोलॉजिकली माइंड बॉगलिंग थ्रिलर नॉवल. एक वाइफ के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, और एक शादीशुदा जिंदगी में क्या क्या हो सकता है. इट इज़ वेरी गुड, एंड ये बुक पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आया था. मतलब मेरे अंदर की शैतानी दिमाग को इतनी संतुष्टि मिली ये किताब पढ़ के. वो एक कीड़ा होता है ना कभी कभी, कि इट्स लाइक बैड एस फील जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चलो कोई तो कर रहा है ये सब. सो या ये वाली किताबें हैं. सो ये कुछ फ्लेवर्स हैं जो मेरे बुक के टेस्ट को डिफाइन करते हैं. तो वैसे बहुत इजी है, मुझे क्या क्या पसंद है. मुझे सस्पेंस पसंद है, मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, मुझे मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, मुझे पैरानॉर्मल बुक्स पसंद है, मुझे हॉरर बुक्स पसंद है. आई एम वेरी मच फिक्सेटेड विद एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पोस्टमार्टम. आई मीन ट्रू क्राइम जो होते हैं मुझे वो वाली किताबें भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो मेरा पैलेट काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक आई थिंक जॉनर है जो शायद मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना मुझे कभी पढ़ने का मन किया है, वो है रोमांस. आई कांट डील विद रोमांस, आई हेट रोमांस. इसी के साथ ये सेगमेंट मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ. दोबारा मैं आपसे मिलूँगी कुछ और ऐसे एक्साइटिंग चीज़ों के साथ, एंड आई होप आपको उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया है. मेरे पास, मुझे इस कलेक्शन में और क्या ऐड करना चाहिए प्लीज़, क्या सारा काम हो गया है. मेरा काम खत्म हो चुका है. मेरा भी खत्म हो गया. तो चलो अभी अच्छे से बाय बोल देते हैं. ओके, बाय बाय, जय राम जी की. बाय बाय हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरफ से आप सभी के लिए. जय श्री राम. बाय बाय.